सो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि पोकेमोन जर्नीस अपने एंड के स्टेज में है और अब वो कुछ ही एपिसोड में एंड होने वाली है। तो क्या पोकेमोन जर्नीस के साथ एंड हो सकता है एस कैचम की जर्नी भी? सो क्या ऐसा हो सकता है कि एचम हमें जनरेशन 9 में देखने को ना मिले, या फिर एस कैचम हमें फिर से देखने को मिलेगा जनरेशन 9 में? सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एस कैचम की जर्नी एंड होने वाली है और क्या एस कैचम देखने को नहीं मिलेगा जनरेशन 9 में। अगर मिलेगा तो क्यों, नहीं मिलेगा तो क्यों। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर एस कैचम के फैन होता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि पोकेमोन जर्नीस अपने एंड के स्टेज में है और पोकेमोन जर्नीस के अंदर जितना डेवलपमेंट एस का देखने को मिला है उतना और किसी सीरीज में देखने को नहीं मिला, क्योंकि एस को मेगा एवोल्यूशन मिल चुका है जो कि उसे उस रीजन में भी नहीं मिला था जिस रीजन में मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। सो एस को मेगा एवोल्यूशन मिल गया, एस ने जिगेंटामैक्स पोकेमोन मतलब जिगेंटामैक्स यूज़ किया, वो भी अपने एक नहीं दो दो पोकेमोन को, और एस कैचम ने बहुत पॉपुलर पोकेमोन पकड़े जो कि फैंस डिमांड कर रहे थे, जैसे लुकारियो, गेंगार, ड्रैगनाइट, और एस ने काफ़ी रेयर पोकेमोन भी पकड़े जैसे ड्रैगोवेस और गैलारियन फारफेश। सो हम कह सकते हैं कि पोकेमोन जर्नीस में जितना एस कैचम को स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है उतना दूसरे मतलब सीजन्स में नहीं दिखाया गया, और इसमें एस कैचम ने जितने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से बैटल की है और करने वाला है उतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से भी कभी एस कैचम ने बैटल नहीं की। एक या दो एस उससे बैटल करता था स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से, वो भी पीट के चला जाता था वो, बट इस बार वो पीट नहीं रहा है, पीट रहा है दूसरे ट्रेनर्स को, और हम देख सकते हैं उसने इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से बैटल्स की है और अब करने वाला है चैंपियंस लेवल ट्रेनर से बैटल करने वाला है। मास्टर 8 में एलान को छोड़कर सभी चैंपियन हैं। सो हाँ, पोकेमोन जर्नीस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस को दिखाया गया है, और अभी कहना गलत नहीं होगा कि जितना एस कैचम को स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है सो वो पोकेमोन मास्टर बनने के काफ़ी ज़्यादा पास है। एस कैचम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा ये तो मतलब कन्फर्म तो नहीं कहेंगे, बट हाँ इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि लियोन को हराकर उसकी रैंक 1 हो जाए और वो बन जाए वर्ल्ड चैंपियन। और वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अगर वो आप सोच रहे हो कि पोकेमोन मास्टर बन जाएगा, सो ऐसा तो नहीं है कि वह पोकेमोन मास्टर बन जाएगा, बट हाँ वो पोकेमोन मास्टर के बनने के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा। और हाँ, पोकेमोन मास्टर बनना सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनना ही नहीं होता, ये एनिमे में हमें मतलब देखने को मिला है। जब गो ने पूछा था एस कैचम से कि पोकेमोन मास्टर क्या होता है, तो एस कैचम ने बताया था सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। सो हो सकता है कि हमें एस कैचम का जनरेशन 9 फाइनल मतलब रीजन देखने को मिले, सो उसमें एस कैचम की जर्नी कंटिन्यू रहे और वह पोकेमोन मास्टर बने। अब देखो, हमें पता है कि एस कैचम का सपना पोकेमोन मास्टर है, और बिना एस कैचम के सपना पूरे हुए और उसकी जर्नी एंड तो नहीं होगी। हाँ, अगर ऐसा हो कि एस कैचम इसी रीजन में पोकेमोन मास्टर बन जाए, जो कि नहीं होने वाला, इसके चांसेस नहीं हैं, क्योंकि 30 एपिसोड के अंदर अंदर पोकेमोन जर्नी एंड होने वाली है, और उसमें भी सारे एपिसोड जो हैं बैटल्स में होने वाले हैं जो कि मास्टर 8 के हाइपर क्लास बैटल्स होंगी। सो उसमें कोई भी मतलब ऐसे दोहराई नहीं है कि इसमें पोकेमोन मास्टर बन जाए एस कैचम, बट हाँ वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। और हो सकता है कि पोकेमोन मास्टर क्या होता है वो पोकेमोन कंपनी रिवील कर दे और उसी के रिलेटेड जनरेशन 9 चले, जैसे कि अलोला रीजन एस कैचम ने जीता था। सो किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसे वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, मतलब एस कैचम इस तरीके से कुछ होगा। सो ऐसे ही अब होगा उसमें जनरेशन 9 में कुछ ऐसा जो पोकेमोन मास्टर बनने के लिए होता हो। और गाइस, जब पोकेमोन का सीज़न 1 आया था, सो उसमें एक बात आपने नोटिस की होगी, गोटा कैचम टू ऑल, मतलब आपने सुना होगा। सो उसका क्या एस कैचम का जो सपना था कि सभी पोकेमोन्स को कैच करना, सो हो सकता है कि जनरेशन 9 में वो अपने इस सपने को पूरा करे, मतलब कि वो गो की तरह ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमोन पकड़े, क्योंकि सभी पोकेमोन को तो वो नहीं पकड़ सकता, बट हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमोन को पकड़े, पोकेमोन मास्टर का सपना पूरा करे बनने का। और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि दिखा सकते हैं, वे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें, कई काफ़ी सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं, काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर सकते हैं जनरेशन 9 में। तो डेफिनेटली जनरेशन 9 एस कैचम का हो सकता है, क्योंकि एस कैचम कितना पॉपुलर कैरेक्टर है आप सबको पता है, और पोकेमोन कंपनी सिर्फ एस कैचम को मतलब हटा के अपनी पॉपुलैरिटी मतलब कम नहीं करना चाहेगी।
और अगर पोकेमोन बंद होता है, मतलब पोकेमोन नहीं, एश कैचम की जर्नी एंड होती है, सो वो सिर्फ इसी रीज़न की वजह से हो सकती है कि एश कैचम को इतना टाइम हो चुका है और वह वर्ल्ड चैम्पियन भी बन चुका है और उसे मतलब जो जो फैंस चाहते थे नॉर्मली ज़्यादातर उसे अब मिल चुका है, सो अब उसकी जर्नी एंड हो जाए। और क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती खींचेंगे तो फिर उसकी जर्नी इसमें भी मतलब मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि अलोला रीजन से कुछ अच्छा दिखाना इन्होंने स्टार्ट किया है, वरना पहले तो जिम बैटल, उसके बाद में एश कैचम लीग में पहुंचता था, वहां पे हार जाता था एश कैचम, सो यही होता था। बट अलोला रीजन से कुछ न्यू देखने को मिला और जनरेशन 9 में हम और भी कुछ एडवांस देखने को मिलेगा और डेफिनेटली उसमें एश कैचम हो सकता है। सो गाइस इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि एश कैचम की जर्नी भी एंड हो जाए, बट इसके भी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि एश कैचम ही रहेगा जनरेशन 9 में। मुझे तो ज़्यादा चांसेस एश कैचम रहेगा यही लग रहे हैं, आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट बताओ। और पर्सनली मैं चाहता हूँ एश कैचम रहे जनरेशन 9 में और कुछ पुराने कैरेक्टर भी एश कैचम के साथ ट्रैवल करे, जैसे सरीना या फिर मिस्टी या फिर ब्रोक, ऐसे कुछ कैरेक्टर उस नए कैरेक्टर को भी ले आए, बट एक आध पुराना कैरेक्टर भी अच्छा लगेगा अगर हो तो। सो यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना प्लीज़, और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट भी कर लेना। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।